पोलियो हो वो एक बार खत्म हो गयो तो आपन भी चैन की सांस लेगा यो हो वो भी खत्म हो जाओ जी वास्ते ही हवा न खत्म करवा के वास्ते भी आपन ने कचकचिया कार बोल देना एक हालत यह हो रही है कि एक ठग आओ जे आपन ने ठग ले जाओ जे बाद में आपन आज महसूस करता अच्छो ठग जो कहीं कोई काम तो कराओ कोई नहीं कोई गांव जो न हो या मंदिर का प्रार्थना वहां आत्मा वहां आत्मा सब जगह बोल जाओ लेकिन ता एक गांव वाला तू पूछो तो जो बोल जो जो पूरा भी करे जो न करे बिल्कुल न करे केवल अपना सा जो विधायक को तू जो हो सके जे माने करवा दे जे बाकी तंत्र पाल मदन को तो अब तक आपने ठगा ही ना और अब मुझे ज्यादा कहीं भी क्योंकि आपका हत्या से आपका सामने से मुता का चलना मैं यही निवेदन करूँ तो आप भाई भाई बता दो कृष्ण जी ने जिताओ जय हिंद जय टेबल में पड़ा होगा मंदिर वो प्रशासन ने थोड़ा इस वजह से भाजपा के लोग उसमें लग गए उनको कोई लोगों को चोट आई कोई लोगों को पुलिस थाने में अरेस्ट किया इस वजह से उनके साथ में खड़ा होकर उनके साथ रहा उसमें आने में थोड़ा मुझे देर हो अस्पताल गया अस्पताल में आया आते आते थोड़ सुर आते आते पूजा पाठ करते उसके बाद मुझे थोड़ा देर हो गया अभी प्रेम जी ने और पूरे सभी लोगों को सम्मानित मंच को और सभी लोगों को राम राम सर आपसे मिलने का इस चुनावी दौरा में एक अच्छा अवसर मिला है इससे पहले भी इस क्षेत्र से हमारे भाई साहब रघुवीर जी भाई साहब इस क्षेत्र से मान्य सांसद थे और उस समय सीमन जब तक नहीं हुआ था झालावाड़ सांसद क्षेत्र का मेरा जो क्षेत्र था वो अट्रू खबड़ा शाहबाद 12 जिले में और झालावाड़ का पूरा जिला था अब परसीमन के बाद ये पूरा 12 जिला पूरा झालावाड़ जिला झालावाड़ सांसद क्षेत्र में आ चुका है मैं तो खाली आप सबसे पड़ोस से आशीर्वाद मांगने आया हूँ और युवाओं से समर्थन मांगने आया हूँ 13 तारीख को मैं अपना पर्चा भरूंगा और वो मैं जब मैं पर्चा भरूंगा तो आपको मैं नोटिस देने आया हूँ आप वहाँ पधारें झालावाड़ को और उस समाज में आप हमारे राष्ट्र नेता को आप सुने मुझे भी बोलना है इस क्षेत्र की इस प्रांत की मुख्यमंत्री हुई कुछ महीने तक पहले 3 महीने पहले 2003 से 2008 तक मुख्यमंत्री थी उन्हें तय किया था कि जो हमारे माता बहनों को वो आगे ले जाए और उन्हें तय किया और आ रही है जब वो मुख्यमंत्री थी उन्हें तय किया कि माता बहनों को राजनीतिक जीवन में लाएं इसलिए अगली राजनीति जो पंचायत समिति के सरपंच के चुनाव होंगे उसमें आरक्षण आपको दिया गया है इसके साथ साथ साथिन सहयोगी उन्हें लगाया उन्हें तय किया कि हमारे जो माता बहने जो 100 दिन के काम करती हैं उनके लिए चुनरी उनको स्वाभिमान के लिए उनको चुनरी देना 100 दिन के काम के बाद उन्हें ये भी तय किया हाँ जी बैठ जाइए उन्हें ये भी तय किया कि हमारे किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचे हमारे युवाओं के लिए स्कूल खुले हमारे बच्चों बच्चों और माताओं को
सभी का सिंगल फेज फ्लाइट 15 से 20 घंटे तक मिले। उन्होंने ये भी तय किया था कि जो मस्ट्रॉल है उनके समय में सही समय मिले। मुझे खाली ये कहना है कांग्रेस तो सरकार आने के बाद प्रांत में मस्ट्रॉल समय पर नहीं मिल रहे, कैसे मस्ट्रॉल हो चुके, दिसंबर के बाद मस्ट्रॉल नहीं मिल रहे। पेंशन थी जो 400 थी जो उन्हें की थी उन्हें 200 कर दी है। जो किसान को धनिया और सरसों के दाम थे जो लगभग सरसों का दाम था लगभग 3,000 रुपए और धनिया का दाम था 6 से 8,000 रुपए वो अब कम हो चुका है। ये जब हुआ है कि जब आपका उत्पादन कम हुआ है, उत्पादन कम होने के साथ साथ आपका दाम बढ़ना चाहिए पर दाम कम है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में हमने एनिकेट की जो हमने झालावाड़ 12 के मेरे 3 विधानसभा क्षेत्र में एनिकेट और पानी की योजना हमने बनाई है जिस द्वारा वो 3 क्षेत्र में अच्छे काम हुए हैं। इस क्षेत्र में 10 साल एक निर्दलीय विधायक और वर्तमान में अब कांग्रेस के विधायक वो इस क्षेत्र से अंता जो क्षेत्र जो भाजपा का गढ़ रहता था वो गढ़ में कांग्रेस का विधायक बन के कांग्रेस का एक बार बागी और वर्तमान में कांग्रेस का विधायक बन के आया हुआ है। उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्षेत्र में क्या किया इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है पर आपको सब पता है। जो हम चाहते हैं कि पूरे परिवार को इस क्षेत्र में परिवार जैसा रखें। 20 साल पहले जब मेरी माँ झालावाड़ 12 से चुनाव लड़ी उस समय माँ ने हमारे 12 जिले के ठाकर समाज के मुखिया चुनाव लड़े सिंधारायण जी और उस समय जब वो चुनाव लड़े थे सभी ने भाजपा को सपोर्ट किया और उनको अच्छी तरह से बढ़त दी। उन्होंने तय किया कि आने के बाद सभी को अपना परिवार जैसा रखें और सभी को परिवार जैसा रखें और जिसने उनके आने के बाद उन्होंने तय किया कि सबको रक्त रखते और ये एक रिश्ता है जिस कौम को हमको रखना है और रखते हुए हमने सभी को गले से मिला के काम किया है। अब अंतर क्षेत्र भी झालावाड़ 12 क्षेत्र में आ चुका है उसमें अपन सब लोग परिवार जैसा रिश्ता रखेंगे और मुझे भाजपा ने सेवा करने का मुझे मौका दिया है। मैं बड़ों से आशीर्वाद मांगने आया हूँ, युवाओं से समर्थन मांगने आया हूँ। आप अपने छोटे बालक को छोटे व्यक्ति को आप देश के सदस्य पंचायत तक पहुँचाएं। 7 तारीख को मतदान होंगे, इससे भी ज्यादा गर्मी होगी और आपके इस क्षेत्र में शादी का समय होगा। शादी के समय के साथ साथ आपका ये भी कर्तव्य होगा कि आप 7 तारीख को 7वीं बार भाजपा को जिताएं। 84 की बात 20 साल तो भाजपा जीती है, इसमें 6 चुनाव हो चुके हैं। मतदान 7 तारीख को है, मतदान 7 तारीख को है और 7वीं बार भाजपा इस क्षेत्र से जीते और 7 बजे मतदान शुरू होगा। इसका आपका योगदान चाहिए, इसके लिए आपके मैं खड़ा हूँ। आपने मुझे सम्मान और प्यार उसने दिया है, आपका प्यार उसने हमसे रहेगा। आपको मैं तरफ से धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ¡Gracias!